इल्ला अला अज़्वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फइन्नहुम गैरु मलूमीन फमन इब्तगा वरा ज़ालिका फउलाइका हुमुल आदून والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، अज़ीज़ों और बुज़ुर्गों और बावक़ार माँ और बहनों, आज रमज़ानुल मुबारक की 23 तारीख है और ये आखिर अशरा है जिसमें 5 रातें जिनमें शबे कद्र के होने का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को उन तारीखों में शबे कद्र को तलाश करने की तरगीब दी। उनमें से 2 तारीखें गुज़र गईं, 21 और 23। अब कई बाकी बची, 3, 25, 27 और 29। ये जो इस वक्त रमज़ान के अखीर अशरे के अय्याम और रातें हैं, ये पूरे रमज़ान का निचोड़ हैं, खुलासा हैं, इत्र हैं। ये पूरे रमज़ान का सबसे मुबारक, सबसे बाअज़मत, सबसे कीमती हिस्सा है। जैसे इंसानी ज़िंदगी के 3 हिस्से हैं, जवानी, बुढ़ापा, बचपन, इन तीनों हिस्सों में सबसे कीमती हिस्सा कौन सा है? हैं, जवानी। सोच लीजिए, तो ये जवानी क्या ज़िंदगी? तो पूरी ज़िंदगी कीमती है, ज़िंदगी का एक एक लम्हा कीमती है। जो लम्हा चला गया उसको लाखों रुपये खर्च करके आप वापस नहीं ला सकते। वो वापस तो क्या आएगा, जाने वाला लम्हा रुकता नहीं है, बल्कि वो मोड़ के भी देखता नहीं। तोता जब आप पालते हैं पिंजरे में और मुद्दतों आपके पास रहता है, आप उसकी खिदमत करते हैं, लेकिन जब खिड़की खुली रह जाती है तो पिंजरे पर बैठता है और उसके बाद एक नज़र अपने मालिक को देखता है और उसके बाद फिर टेटे करके उड़ जाता है। मगर कम से कम देखता भी तो है, अगरचे वो ऐसी आँख से देखता है जिसके अंदर कोई मुरव्वत नहीं है, 10 साल 20 साल मुरव्वत नहीं उसकी आँखों में। इसीलिए उसको कहते हैं, ऐसे आदमी को जिसके अंदर मुरव्वत ना हो उसे क्या कहते हैं? तोता चश्म। तोता चश्म, चश्म माने आँख, तोता चश्म, तोते जैसी आँख वाला है, मुरव्वत नहीं है उसकी आँखों में, मगर वो मुड़ के देखता तो है। मगर ज़िंदगी के जो लम्हात गुज़रते जा रहे हैं, ये तो पीछे मुड़ के भी नहीं देखते। ठहरेंगे क्या ये? तो रुकते हैं, रुकेंगे क्या ये? तो पीछे मुड़ के नहीं देखते, मुड़ के भी देखा ना उसने। ठहर जाना तो कुजा, मुड़ के भी देखा ना उसने, ठहर जाना तो कुजा। ज़िस्त का हर एक लम्हा किस कदर उजलत में था, मुड़ के भी देखा ना उसने, मुड़ के भी नहीं देखा। रुकने की बात क्या करते हैं आप कि वक्त ठहर जाए, रुक जाए। ज़िस्त कहते हैं ज़िंदगी को। ज़िस्त का हर एक लम्हा किस कदर उजलत में था, उजलत यानी जल्दी में है या नहीं?
तो ज़िंदगी का पूरी ज़िंदगी आदमी की कीमती है, ज़िंदगी का एक एक लम्हा कीमती है। और पूरी दुनिया की दौलत खर्च करके उस लम्हे को आप हासिल नहीं कर सकते हैं। इस ज़िंदगी की वजह से जो कुछ आदमी हासिल करता है, ज़िंदगी की वजह से तो करता है, खाना है, पीना है, देखना है, चखना है, ऐशो आराम है, ज़िंदगी है तो सब है। ज़िंदगी नहीं तो क्या है फिर? ये मिट्टी है, मिट्टी का ढेर। तो ज़िंदगी पूरी कीमती, इसीलिए कोई आदमी जल्दी मरना नहीं चाहता, चाहे जितना वो बूढ़ा हो जाए और चाहे जितना लबे दम हो, मरना नहीं चाहता। एक है मरना चाहना और एक है मौत की तमन्ना करना। एक है तमन्ना करना, बाकायदा दुआ करना। तो मौत की तमन्ना और दुआ करना जायज़ नहीं। कब? मुसीबतें और परेशानियों से घबराकर मौत की तमन्ना करने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाया है। मेरे ख़्याल से आप थोड़ा सा और दूर बैठते तो अच्छा रहता। ये देखिए इतना फासला क्यों है भाई, ये आप आड़ क्यों तलाश करते हैं बताइए? मुंह छुपाने की क्या ज़रूरत है? हैं ना लिल्लाह वो इतना ही है। तो क्या बता रहे थे? आपने सब गड़बड़ कर दिया। किसी परेशानी की वजह से, तकलीफ़ की वजह से इससे अच्छा मौत आ जाए, इससे मना किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों? इसलिए तुम ये समझ रहे हो कि मौत आएगी तो ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी, मगर तुम्हें नहीं मालूम मौत आने के बाद ये परेशानी और बढ़ जाएगी। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, और मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे? कितने लोग ऐसे हैं जो खुदकुशी कर लेते हैं, छलांग लगा देते हैं, जहर पी लेते हैं, आग लगा देते हैं। क्यों? टेंशन है, परेशानी है, कर्ज़ा है, मुसीबत है, बोझ है, इससे नजात वो यही समझते हैं, मर जाएंगे तो नजात मिल जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं। खुदकुशी ये तो हराम है, अपने आप को मार डाला, ज़बरदस्ती अपने को कत्ल करने की कोशिश करना, ये सब हराम है। और अगर उसके अमल अच्छे हुए तो मौत के बाद अच्छा ही है, अगर अमल ख़राब हुए तो फिर मौत के बाद और मुसीबत है। अरे है नहीं? बोलो। इसलिए हदीस में फरमाया गया कि अगर आदमी को दुआ ही करना है तो यूं दुआ करे, ऐ अल्लाह जब तक मेरे लिए ज़िंदगी बेहतर है मुझे ज़िंदा रखिए, और जब मेरे लिए मौत बेहतर हो तो मुझे वफ़ात दे दीजिए। इस तरह की तो इजाज़त है, लेकिन यूं आप सोच रहे हैं कि मरने के बाद हमें सुकून मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा और टेंशनें ख़त्म हो जाएंगी, ये बुजदिली है, ये हिमाकत है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कौन आदमी सबसे अफजल है? आपने फरमाया मन ताला उम्रुहू व हसुना अमलुहू, जिसकी ज़िंदगी लंबी हो, जिसकी ज़िंदगी लंबी हो, उम्र ज़्यादा हो, वह हसुना अमल हो और उसके अमल भी अच्छे हों। ज़ाहिर है अगर ज़िंदगी तवील होगी, नेक आदमी है तो नेकियां करने का ज़्यादा मौका मिलेगा, और ये तो खेती है आखिरत की, ज़्यादा नेकियां हो जाएंगी तो मरने के बाद आराम ही आराम है, फिर ज़्यादा आराम मिले। तो इसलिए ज़िंदगी कीमती है। अगर ज़िंदगी ज़्यादा लंबी है लेकिन गुनाह ज़्यादा किए तो फिर बाद में मुसीबतें भी
ज़्यादा हों। हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक चीज़ बता दी। एक मर्तबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दो भाई थे, दोनों मुसलमान हो गए। और ज़ाहिर बात है नबी के ज़माने में जो ईमान लाए वो सब क्या थे? सहाबी थे, वो सब जन्नती हैं। हर सहाबी से जन्नत का वादा किया अल्लाह ताला ने कुरान में, सब जन्नती। उनमें से एक भाई जो थे वो शहीद हो गए, एक भाई शहीद हो गए। और शहादत की मौत कैसी है? जिसकी तमन्ना खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने की और बार बार की, शहादत मिले। और हज़रत उमर से भी कहा था इश हमीद व मुश शहीदा, ज़िंदगी ऐसे गुजारो दुनिया तुम्हारी तारीफ़ करे, और मरना तो शहादत की मौत मरना। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ करना शुरू कर दी, अल्लाहुम्मा रज़क़ना शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौती बिबलदी रसूलिक, ऐ अल्लाह हमें अपने रास्ते में शहादत अता फरमा और अपने नबी के शहर में मौत अता फरमा। फारूक आदम अल्लाह के इतने महबूब बंदे थे, जो तमन्ना करते थे अल्लाह वो तमन्ना पूरी कर देते थे। और था बड़ा मुश्किल मामला ये। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन ये कैसे हो सकता है? आप मैदान जंग में जा नहीं सकते, आप मदीने में रहते हैं, मदीना दारुल ईमान है, यहाँ हमले का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, तो आपको शहादत भी चाहते हो, मदीने में मरना चाहिए, ये कैसे हो सकता है? फारूक आलम ने कहा अल्लाह ताला की कुदरत बहुत बड़ी है, वो ये भी कर सकता है, और अल्लाह ने ये दोनों काम कर दिए, दोनों तमन्ना पूरी हुई, शहादत की मौत भी और मदीने में आने मदीना, जाने मदीना, शान मदीना, मेहराब नबवी, मुसल्ले नबवी, बहालत नमाज, फारूक आदम फजर की नमाज में शहीद हुए, है या नहीं? तो शहादत जो है बहुत बड़ी सआदत की बात है। तो दो सहाबा में से, दो भाइयों में से एक तो शहीद हो गए, दूसरे भाई जो थे वो एक हफ्ते के बाद उनका भी इंतकाल हो गया। जब उनका इंतकाल हो गया तो सहाबे किराम से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तुम लोगों ने इनके जनाजे में क्या दुआ की? बाद वाले जो थे सहाबी भाई जिनकी मौत हुई थी, तुमने इनके जनाजे में क्या दुआ की? कहा हमने दुआ की ऐ अल्लाह इनको भी इनके शहीद भाई के दर्जे तक पहुंचा दीजिए, इनको भी वहीं तक वो दर्जा इनको भी अता फरमा दीजिए, इसलिए वो तो शहीद हुए हैं और इनकी वफ़ात इंतकाल हुआ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तुमने ये क्यों दुआ मांगी? एक हफ्ता पहले उनकी शहादत हुई है, एक हफ्ते के बाद इनकी वफ़ात हुई है, एक हफ्ता इनकी नमाजें ज़्यादा हैं, एक हफ्ता इनके रोज़े ज़्यादा हैं, ये कहाँ चले जाएंगे? नहीं समझ में आई बात? ज़िंदगी ज़्यादा है तो अमल ज़्यादा है, लिहाजा दोनों के दर्जों में फ़र्क है। शहादत का अजीम दर्जा एक अलग चीज़ है, मगर नेकियाँ किसके पास ज़्यादा हैं? बाद वाले के पास। तो इसलिए ज़िंदगी पूरी कीमती है, हर लम्हा कीमती है। अगर आदमी उसको याद खुदा में मर्ज़ियात इलाही के मुताबिक, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक गुजार दे तो क्या कहना ऐसी ज़िंदगी की। अल्लाह ऐसी ज़िंदगी हम सबको नसीब फरमाए, अल्लाह लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, और अल्लाह उस ज़िंदगी में अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो गर्ज़े की ज़िंदगी पूरी कीमती है, मगर उसका सबसे कीमती हिस्सा बुढ़ापा, जवानी है। हालांकि ये भी ज़िंदगी का हिस्सा है। और हदीस में आता है कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला
बंदे से सवाल करेगा और मैदान महशर से उसके कदम हट नहीं पाए, हटेंगे नहीं जब तक कि पांच सवालों का जवाब न दे। बड़ी मशहूर हदीस है, बार बार सुनी गई, बार बार पढ़ी गई। सबसे पहला सवाल किस चीज़ के बारे में होगा निहाल? पहला सवाल ये तो मशहूर हदीस है नमाज के बारे में। अच्छा भाई और बताओ, और बताओ। हाँ अच्छा और बताइए। इतनी मशहूर हदीस है और बार बार पढ़ी गई, बार बार सुनी गई, मगर आज तक याद नहीं। पहला सवाल, अन उम्रिही फीमा अफना, उसकी ज़िंदगी के बारे में सवाल किया जाएगा। ये तुम्हें ज़िंदगी दी थी और क्यों दी थी ये भी मैंने कुरान में बताया था, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदू, इबादत के लिए। तो ये ज़िंदगी तुमने ख़त्म कायम की, ये बताओ मुझे। पहला सवाल, ये सवाल सबसे होगा, हम सबसे होगा। इस सवाल का जवाब किसने किसने तैयार करके रखा है? अल्लाह ताला से कहेंगे अल्लाह फला चीज़ में अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी हमने, कुछ है जवाब, तैयारी है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, आपका फरमान सच्चा, ये हो के रहेगा। पहला सवाल ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी में जवानी भी है और बुढ़ापा भी है और बचपन भी है। दूसरा सवाल, वान शबाबिही फीमा अबला, उसकी जवानी के बारे में सवाल किया जाएगा। दूसरा सवाल है, ये भी ज़िंदगी मगर जवानी के बारे में अलग से सवाल क्यों? इसलिए कि ज़िंदगी का सबसे ख़राब हिस्सा, सबसे कीमती ज़िंदगी तो पूरी कीमती है, उसमें सबसे कीमती हिस्सा जवानी है, इसलिए इसके बारे में अलग से सवाल होगा। जवानी के बारे में इसको किस चीज़ में पुराना कर दिया ये बताओ। कितने लोगों को मारा तुमने, जुल्म किया, सताया, तुम्हें हर चीज़, हर ताकत जवानी में पूरी होती है, हर कुव्वत। तुमने इसको अल्लाह की रज़ा में ख़र्च किया है या गुनाहों में, काय में ख़र्च किया है, मुझे सवाल का जवाब दो। दो सवाल हो गए। तीसरा सवाल, अन माली ही, माल के बारे में तीसरा सवाल है, और दो सवाल हैं माल के बारे में। पहला सवाल, कहाँ से कमाया, कैसे कमाया, किसको टोपी पहनाई तुमने, किसको धोखा दिया, किसकी जायदाद पे कब्ज़ा किया, किसको बेवकूफ़ बनाया, किसका माल छीन लिया। ये माल जो तुम्हारे पास था ये तो बीवी का महर था, दिया था तुमने महर। ये बहन का हिस्सा था, तुमने दिया था। कहाँ से कमाया है तुमने, एक सवाल, हलाल तरीके से, हराम तरीके से। दूसरा सवाल माल के मुतालिक, जो पैसा तुम्हारे पास आया था इसको खर्च कहाँ किया तुमने, बोलो। आतिशबाजी में, गुनाह की महफिलों में, शराब नोशी में, कहाँ खर्च किया है तुमने? ये समझिए सवाल जवाब हमसे हो रहे हैं। तुम अल्लाह तबारक व ताला के इन सवालों को जवाब क्या देंगे? पांचवा सवाल, इल्म के बारे में, जो जो बातें तुम्हें मालूम थीं उन पर तुमने अमल कितना किया? नमाज फ़र्ज़ है फिर भी नमाज छोड़ी तुमने, ज़कात फ़र्ज़ है और ज़कात के मसले सीखना भी फ़र्ज़ है, नहीं मसले सीखोगे अदा कैसे करोगे?
और ये ऐसा फरीदा है जिसमें बहुत से पढ़े लिखे मुसलमान भी लाइल्मी, कम इल्मी, नावाकफियत की वजह से गलती में मुब्तिला है। दे भी रहे ज़कात और समझ रहे हैं हम बहुत पारसा हैं, तो देते हैं ज़कात। ज़कात के मसाइल सीखना फ़र्ज, हज करने वाले पर हज के मसले सीखना फ़र्ज। तो गर्ज़े की जो तुम्हें इल्म था उस पर अमल कितना किया ये बताओ मुझे। इन सवालों का जवाब दे देना हम में से किसी की बस की बात नहीं है, किसी के औकात अल्लाह को जवाब दे सके। सलाम हो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपने अपनी उम्मत को क्या सिखाया कि देखो अल्लाह ताला से तुम ये दुआ किया करो। आप हिसाब तो लेंगे, यकीनन लेंगे, ऐ अल्लाह कुरान में है इन इलैना इयाबहुम सुम्मा इन अलैना हिसाबहुम, उन सब को हमारे पास आना है और फिर हमारे ज़िम्मे उन सब का हिसाब लेना है। हिसाब तो आप लेंगे, लेकिन ऐ अल्लाह अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, ऐ अल्लाह मुझसे आसान हिसाब लेना। अल्लाह से दुआ मांगा करो क्या, ऐ अल्लाह हमसे आसान हिसाब ले। ये आसान हिसाब क्या है, ये कौन दुआ मांग रहा, अल्लाह के नबी खुद मांग रहे। हालांकि नबी से हिसाब बोलो नहीं होगा, नबी से सवाल नहीं होगा। कुरान में वला तुसलना साबिल जहीम, आपसे जहन्नमियों के बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिद ऐसे पैगंबर हैं जिनको दुनिया में इत्मीनान दिला दिया गया बस आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, आप तो अगले पिछले सब माफ है। ये खसूसियत सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। हालांकि नबी गुनाहों से मासूम होता है, हर नबी मासूम होता है, मगर सारे नबी डरेंगे कहीं अल्लाह ने ये बात पूछ ली, ये बात पूछ ली। हालांकि वो बात हराम नाजायज नहीं थी, लेकिन ज़्यादा अफजल दूसरी बात थी, जायज़ वो भी थी मगर अफजल दूसरी बात थी। तो तुमने अफजल काम क्यों नहीं किया, हर नबी डरेगा सिवाय जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अल्लाह ने आपको वो नेमत अता फरमाई, दुनिया में मुतमईन कर दिया और क्या कहा, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना लियग़फिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक व मा ताख़र, हमने आपको खुली हुई फतेह अता की है ताकि आपके अगले पिछले सब माफ़ कर दिए जाए। दूसरी जगह अल्लाह ताला ने क्या कहा पता है आपको, व रफ़ान क्या फरमाया, व वज़अना अनक विज़्रक अल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरक अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अनक विज़्रक अल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरक, माने अरे पैगंबर क्या हमने आपका सीना खोल नहीं दिया, यानी खोल दिया, सीना खोलने का मतलब हिम्मत और हौसला अता करना। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा फिरौन के पास जाओ, काहे के लिए, अरे काहे के लिए भेजा था, दीन की दावत देने के लिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने यह, अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तकरीरी तो करना है, हैं बुजुर्गों दोस्तों ईमान वालों, कहे क्या आपने अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की आपने। और उनका दिमाग जो है अरशे मौला पे पहुंच गया, हमें बात करना आ गए, हम बहुत बड़े हो गए अब, समझ रहे हैं आप। मूसा अलैहिस्सलाम से पूछिए दावत क्या है, थर्रा गए मूसा अलैहिस्सलाम और कहा ऐ अल्लाह जाएंगे तो हम, आपका हुक्म है, मगर उससे पहले हम आपसे कुछ मांग रहे। क्या मांगा मूसा अलैहिस्सलाम ने, रब्बिश्रह ली सदरी, ऐ अल्लाह मेरा हौसला बुलंद कर दीजिए, वयस्सिर ली अमरी और दीन की दावत देने हम जा रहे इस काम को आप आसान कर दीजिए।
आप आसान करेंगे तो आसान होगा। मांग रहे नहीं मांग रहे, और हम लोगों ने इसकी अहमियत ही नहीं समझी। जिसको देखो वो अपने खड़ा है और नाश कर रहा है, हमें ये आ गया, हमें वो आ गया, और हम जैसा कोई है ही नहीं। सारे मुफ्ती, सारे आलिम, सारे फुकहा सब फेल। जिस आदमी के दिल में ये बात पैदा हो जाए, इसको कहते हैं तकब्बुर। क्या कहते हैं? और अगर सरसों के दाने के बराबर होगा तो जन्नत के बाहर खड़े रहना, जन्नत में दाखिला नहीं है तुम्हारा। ये गुरूर जिसने कुछ नहीं किया उसके अंदर नहीं पैदा हुआ, ये उन्हीं में पैदा हो रहा है। हमारे बराबर कोई है ही नहीं, हम जैसा कोई काम करने वाला नहीं। अरे सब क्या है, अल्लाह अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह गुरूर से, तकब्बुर से, इसीलिए कुरान की सूरत में बताया गया, अभी मैं जिक्र करूँगा कि हम हैं क्या, हमने समझा क्या है, कुछ भी नहीं है। तो हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े सबसे बड़े, मगर अल्लाह के नबी दुआ क्या कर रहे हैं बोलो, भूल गए इतनी जल्दी। अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, ऐ अल्लाह मेरा आसान हिसाब लीजिए। क्यों? उम्मत को सिखा रहे हैं हुजूर। अल्लाह ताला ने क्या कहा? अलम नशरह लक सदरक, क्या हमने आपका सीना नहीं खोल दिया? मूसा अलैहिस्सलाम ने मांगा था, अल्लाह मेरा सीना खोल दीजिए। अल्लाह के नबी ने मांगा नहीं, मगर अल्लाह कह रहा है मेरे महबूब हम आपको बगैर मांगे हुए दे रहे हैं, क्या हमने आपका सीना नहीं खोल दिया? वज़अना अनका विज़्रक, और आपसे हमने बोझ को हटा दिया। क्या हटा दिया? अल्लाह अपने नबी से कह रहा है आपके ऊपर से बोझ हटा दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई बोझ रखा हुआ था क्या? कपड़े की गांठ, तख्ते, काहे का बोझ? बोझ भी मामूली नहीं था। वज़अना अनका विज़्रक अल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरक, हमने वो बोझ आपसे हटा दिया जिसने आपकी कमर को बिल्कुल तोड़ के रख दिया था। जब बोझ ज़्यादा होता है तो कमर का हाल क्या होता है? बहुत आराम मिलता है कमर को, बड़ी तकलीफ होती है। आपकी कमर दोहरी कर दी थी जिस चीज़ ने, वो बोझ क्या है बोलो भाई? वो बोझ क्या है पता है आपको? वो बोझ क्या है? गुनाह तो थे नहीं, आप तो मासूम हैं। कोई काम अफजल था, आपने समझा ये ज़्यादा बेहतर है, हालांकि दूसरी उसका दूसरा पहलू ज़्यादा बेहतर था। अब आप डर रहे हैं कि ये मैंने ये काम ये क्यों नहीं किया, ज़्यादा अच्छा वाला काम क्यों नहीं किया? एक अच्छा एक ज़्यादा अच्छा। जैसे मिसाल से समझिए, सूरह आबसा व तवल्ला जब नाजिल हुई तो क्या हुआ था? हुजूर तबलीग कर रहे थे दावत, किसको? मक्के के बड़े बड़े सरदारों को। ऐन उसी वक्त में एक नाबीना साहबी आ गए। अब अंधे आदमी को दिखता तो है नहीं कौन बैठा है, क्या बात चल रही है, मगर शौक बहुत था, तड़प थी, कुरान में उसका जिक्र है। वाम्मा मंजा का यसा वहुआ यक्षा फानतान हु तलहा, जो आपके पास आया है पैगंबर दौड़ता हुआ और डरता हुआ, और आपने तवज्जो नहीं दी उसकी तरफ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा इतना अहम काम है, ये मुसलमान हो जाएगा, मक्का मुसलमान हो जाएगा, और ये तो पहले से मुसलमान हैं, इनको बाद में मसला असला बता दें। अल्लमनी मिम्मा अल्लमका, अल्लमकल्ला, हुजूर जो अल्लाह ने आपको सिखाया हमें सिखाइए, नई वही नाज़िल हुई हमें बताइए। आपने ये देखा बेमौका सवाल, इतनी अहम गुफ्तगू, आपकी पेशानी पर सिलवटें पड़ गई नागवारी की वजह से। अरे ये तो बाद में भी पूछ सकते थे, होता है नहीं होता है। कुरान की आयत नाज़िल हुई, अबसा वतवल्ला अंजाहुल अमा, आप के चेहरे पे शिकन पड़ गई, आपकी पेशानी पर सिलवटें पड़ गई इस बात से कि अंधा आया आपके पास मसला पूछने के लिए।
क्यों? ये बड़े बड़े लोग बैठे थे, आप सोच रहे थे ये मुसलमान हो जाएं, इसकी ज़रूरत नहीं है पैगंबर। कल्ला इन्नहा तज़किरा, ये नसीहत नामा है जिसकी 100 मरतबा गरज हो कबूल करे, और ना कबूल करे तो जहन्नम में जाए। तो इस मौके पर अल्लाह के नबी ने जो काम किया था, बोलो ये काम क्या था? जो किया था सबसे अच्छा काम दुनिया के अकलमंदों की नज़र में यही था, क्या? कि पहले जो शिर्क में मुब्तिला है, कुफ्र में मुब्तिला है, अगर ये मर जाएंगे तो सीधे कहाँ जाएंगे? जहन्नम। और जो सहाबी हैं, मोमिन हैं, ये अगर मर गए मसला पूछने से पहले, ये कहाँ जाएंगे? तो जन्नत पक्की है इनकी, लिहाजा ये कहीं जहन्नम में न चले जाएं। इसलिए पहले इनकी तरफ तवज्जो की जाए, इनका कुफ्र और शिर्क धुल जाए, यही काम अक्ल का तकाजा है। एक डॉक्टर के पास 2 मरीज़ आए, एक नज़ले का मरीज़ है और एक सरसाम का, क्या समझे? तो डॉक्टर साहब, दोनों मरीज़ आए, अब डॉक्टर साहब क्या करें बताओ? पहले नज़ले वाले को देखना चाहिए या जिसकी हालत सीरियस है उसे देखना चाहिए? सीरियस वाले देखना चाहिए। जो कुफ्र की बीमारी में मुब्तिला है वो सीरियस है, और जो आदमी मुसलमान हो चुका मसला मालूम करने आया है, ये क्या है? ये नज़ले का मरीज़ है। तो दुनिया क्या कहती, अकल क्या कहती, पहले सीरियस मरीज़ को देखे। हुजूर ने यही किया, अल्लाह ने क्या बताया? नहीं, वो ज़्यादा बेहतर नहीं था, वो ज़्यादा बेहतर नहीं था जो आपने काम किया। कौन सा है? अरे भाई, वो ज़्यादा बेहतर नहीं था जो आपने किया। ज़्यादा बेहतर क्या था? इस ईमान वाले की तलब को देखते और इसको मसला बताते और कुरान की आयतें सिखा देते। हमारा ज़हन वहाँ नहीं पहुँचा, नबी का ज़हन, अल्लाह क्या कह रहा है? वजह ये है कि ये तो है नज़ले का मरीज और वो सीरियस मरीज़ है, मगर दोनों में फ़र्क है क्या? ये जो सीरियस मरीज़ है ये इलाज करवाना नहीं चाहता, इसको कोई दिलचस्पी इलाज से नहीं है, और ये जो मामूली मरीज़ है इसमें तलब है, तड़प है, इसका जज्बा देखो अंधा है। इसने ऐसे, अरे हम तो अंधे, हम क्या करें जाके? फिर रास्ते में गार भी हैं, गढ़े भी हैं, कहीं गिर भी सकता है, मगर मसला पूछने आया। काफिरों का गलबा, ये भी इसको अंदेशा हो सकता कोई काफिर मुझे सताए, फिर भी ये चला आया। इसमें तड़प है, जिसमें तलब और तड़प हो पहले उसकी तरफ तवज्जो देना चाहिए। तो अल्लाह, हालांकि जायज़ दोनों काम, मगर ये ज़्यादा बेहतर। अब अल्लाह के नबी सोच रहे हैं कहीं अल्लाह मियां ने क़यामत के दिन हमसे ये पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया था? नबी को फिक्र है, ऐसे जितने काम थे, नबी से कोई नाजायज़ काम हो ही नहीं सकता। तो अल्लाह के नबी को बड़ा टेंशन था, बड़ी फिक्र थी, अल्लाह ताला ने वो टेंशन ख़त्म कर दिया और क्या कहा? ववदअना अनका विदरक अल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरक, हमने वो बोझ आपसे हटा दिया जिसने आपकी कमर को दोहरा कर दिया था, तोड़ के रख दिया था, अब आपसे पूछ गिछ नहीं होगी। इसीलिए मैदान महशर में हर नबी की उम्मत हमारे नबी ही के पास आखिर में आएगी। हुजूर सिफारिश कर दिए, हिसाब किताब शुरू हो जाए, हर नबी माजरत कर लेगा, अल्लाह के नबी कहेंगे अना लहा, हाँ मैं करूँगा, सबके काम आएंगे आप। दुनिया में भी सबको फ़ायदा हासिल है नबी का, मुसलमानों को भी काफिरों को भी, रहमतुल्लिल आलमीन है आप, और आखिरत में भी आप ही से बात बनेगी, लवाउल हमद आपके हाथ में होगा, सबसे पहले सिफारिश आप करेंगे, आपको इजाज़त मिलेगी। तो गर्दे की इतनी आज़मत वाले नबी, और उसके बाद दुआ क्या कर रहे हैं? अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाह आसान हिसाब लीजिएगा। क्यों कर रहे हैं दुआ? अपनी उम्मत को सिखा रहे, हम लोगों का हिसाब होगा, हुजूर का तो हिसाब हो गई नहीं, लिहाजा अल्लाह आसान हिसाब लीजिएगा। अब आसान हिसाब क्या है? आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, पूरी उम्मत की तरफ से उन्होंने ये मसला हल कर दिया कि आसान हिसाब क्या होता है। हुज़ूर, ये आसान हिसाब क्या है?
आपने फरमा आयशा, बंदे के सामने नाम आमाल रखा जाए और फिर उससे पूछा जाएगा ये तुमने किया है और ये भी किया और ये गलत काम भी तुमने किया और ये तुम्हें करना चाहिए तुमने नहीं किया, ये और ये भी नहीं किया, ज़कात भी नहीं दी और तुमने यतीम पे तरस भी नहीं खाया, ये किया ये किया ये क्या बला या रब्बी, हाँ मालिक ये भी हुआ, ऐ मेरे परवरदिगार ये भी हुआ ये भी हुआ और ये करना चाहिए था मैंने नहीं किया, बला या रब्बी, हाँ ऐ मेरे परवरदिगार। अल्लाह कहेगा दुनिया में जब तुमने किया था हमने पर्दा डाला था, किसी को पता नहीं चला था, जाओ माफ़ कर दिया तुम्हें। ये आसान हिसाब है, ये आसान हिसाब है और मुश्किल हिसाब कौन सा है? आपने फरमाओ अमन नूकिशा उज़्ज़िबा और जिससे पूछा ये तुमने क्यों नहीं किया, ये किया क्यों किया, रिश्वत क्यों ली तुमने, नमाज पढ़ी क्यों नहीं, इससे ये पूछ लिया, वो तो अजाब में मुब्तिला होकर के रहेगी। अल्लाह ने ये ज़िंदगी अता फरमाई और ज़िंदगी बड़ी कीमती है और ज़िंदगी का सबसे कीमती हिस्सा जवानी है। ऐसे अल्लाह ने रमज़ान अता फरमाया, रमज़ान तमाम महीनों में सबसे अफजल, पूरा रमज़ान कीमती, कितना कीमती है, अगर नफिल पढ़ो तो दूसरे महीनों के फ़र्ज के बराबर है। कब? अखीर अशरे में, ये अखीर अशरे में है पूरे रमज़ान। अगर किसी गरीब आदमी को, किसी भी आदमी को अगर तुम इफ्तार करा दो तो अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा, कब? अखीर अशरे में ना, इसी में इफ्तार पार्टियां होती। अरे कभी भी, पूरे रमज़ान में। अगर किसी आदमी से, मुलाजिम से, नौकर से काम को हल्का कर दो थोड़ा सा, अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा, कब? अखीर अशरे में, ये पूरे रमज़ान में, पूरे रमज़ान, पूरा रमज़ान का महीना कीमती है। लेकिन पूरे रमज़ान के महीने का सबसे कीमती हिस्सा अखीर अशरा है। जैसे ज़िंदगी के तीन हिस्से, ऐसे ही रमज़ान के तीन हिस्से, पहला अशरा, दूसरा अशरा और तीसरा अशरा, है पूरा रमज़ान कीमती मगर सबसे कीमती अखीर अशरा। क्यों? अच्छा रमज़ान कीमती क्यों है? अल्लाह ने कुरान में बताया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, ये रमज़ान का वो महीना जिसमें कुरान नाज़िल हुआ, इसलिए रमज़ान अफजल है। रमज़ान की फजीलत की बुनियाद, बेस कुरान का नाज़िल होना है। और कुरान नाज़िल हुआ कब? पहले अशरे में। अरे पहले अशरे में ना, दूसरे अशरे में, तीसरे अशरे में, आखिर अशरे में नाजिल हुआ। क्यों? जिस रात में नाजिल हुआ उसका नाम है शबे कद्र, और वो शबे कद्र सब तमाम रातों से अफजल क्यों है? उसमें कुरान नाजिल हुआ है ना, और वो रात आखिर अशरे में है तो आखिर अशरा सारे अशरों से अफजल हुआ। इस अखीर अशरे की कद्र अल्लाह के नबी कैसे करते थे? उम्मुल मोमिनीन से पूछिए, आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जितनी मेहनत आप इसमें करते थे वो दूसरे रमज़ान के दिनों में इतनी नहीं करते थे, पूरे रमज़ान मेहनत, इसमें ज़्यादा। शद्दमीज़ रहू, कमर कस लेते थे आप। वाहिया लई लहू, रातों में जाग कर इबादत करते थे। वाई कदाह लहू, और ख़ुद नहीं जागते थे अकेले, अपने घर वालों को भी बोलो जगाते थे। हालांकि आम दिनों में तहज्जुद के लिए अपनी बीवी को नहीं जगाते थे हुजूर, और यही आदाब में से है। कोई कह दे मुझे उठा देना तो अलग बात है, वरना ये फ़र्ज नहीं, जब फ़र्ज नहीं है तो ज़बरदस्ती मत करो। आम दिनों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह उठते थे
कहीं आवाज़ से आयशा सिद्दीका की आँख ना खुल जाए। लेकिन रमज़ान के महीने में क्या होता था, आई कदा अहलहू, अपनी तमाम घर वालों को जगा देते थे। ये बरकत के दिन फिर कभी नसीब नहीं होंगे, और सोना तो फिर मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आखिर अशरा है और उसके ये कीमती लम्हात हैं, और कीमती लम्हात में पांच रातें शब कद्र की रातों में से कोई रात हो सकती है, पूरी दस भी नहीं। अल्लाह के नबी ने मेहनत की उम्मत के लिए, काहे के लिए, शब कद्र मेरी उम्मत को ढूंढना न पड़े। तो पहले दस दिन इतकाफ़ किया, फरिश्ते ने आके बताया इसमें नहीं है शब कद्र। फिर दस दिन और इतकाफ़ किया, कितने दिन हो गए हुजूर, बीस दिन इतकाफ़ किसके लिए करें, हम सब के लिए, शब कद्र ढूंढ लें और बता दें उम्मत को। फिर फरिश्ते ने आके कहा इसमें भी नहीं है। फिर आपने दस दिन का इतकाफ़ किया, कितने दिन हो गए, पूरा महीना इतकाफ़ किया, कहा इसमें है और इसमें भी ताक रातों में है, इन्हीं में तलाश करो। कितना बड़ा एहसान है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, पक्की पकाई है, वो भी हम खाने के लिए बोलो तैयार नहीं। तलाश कर दिया, पूरे रमज़ान एतकाफ़ करके शब कदर मेरी उम्मत को मिल जाए, और ये इस उम्मत ही का इनाम है, पूरी किसी नबी की उम्मत के लिए शब कदर नहीं है, सिर्फ इस नबी की उम्मत के लिए, सोचिए आप। और फिर नबी को, अल्लाह को फिक्र है कि जो किसी को नहीं दिया वो इस नबी की उम्मत को दिया, और नबी को फिक्र है कि मेरी उम्मत को परेशानी ना हो, चलो हम ही ढूंढ के दे दें। मगर उम्मत कितनी कदरदान है कि इन रातों में क्या कर रहे हैं, तरावी भी गायब, फ़र्द भी छोड़ दी बाद लोगों ने। अल्लाह के बंदो, क्या मालूम फिर मौका मिले ना मिले, बाकी जो अय्याम है, रातें हैं, अल्लाह ताला इन सब की, और दिन हैं, एक एक लम्हे की अल्लाह कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। तो कुरान करीम की जो मैंने आयतें पढ़ी इनका तर्जमा सुने। अल्लाह फरमाता है कि दुनिया के लोगों की कामयाबी और है, और ईमान वालों की कामयाबी और है। ईमान वालों की कामयाबी का रास्ता अलग है, यही हकीकत में कामयाबी है, दुनिया में भी, बरज़ख में भी, हश्र में भी, जन्नत में भी, ये कामयाबी हकीकी कामयाबी। दुनिया में जो लोग हैं काफिर, गैर मुस्लिम, मुशरिक, इनकी कामयाबी क्या, दुनिया मज़े से गुजर जाए, है ना, इनके लिए आखिरत में बोलो कुछ नहीं है, मरते ही अजाब होगा। लेकिन जब हश्र का दिन होगा तो ये उसी को गनीमत समझेंगे, अरे ये तो कम था, अब तो और उससे ख़तरनाक अजाब होगा, कहेंगे मम बासना मिम्मर कदीना, किसने मुझे उठा दिया, हम तो सो रहे थे, यानी इससे अच्छी खबर की हालत थी। तो ईमान वालों की कामयाबी अलग है, ईमान वालों की कामयाबी की शर्तें अलग है। सात शर्तें बताई खुदा ने ईमान वालों, ईमान वालियों की कामयाबी की, क्या शर्तें, सात। पहली, قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, कामयाब हो गए वो ईमान वाले जो अपनी नमाजों में खुशु इख्तियार करते हैं, यानी दिल लगा के नमाज पढ़ते हैं, और नमाज में जानबूझ करके अल्लाह के अलावा किसी और के बारे में सोचते नहीं है। पहली शर्त, यानी नमाज के बगैर कामयाबी नहीं, और नमाज भी कैसी होना चाहिए बोलो, खुशू वाली। खुशू वाली नमाज कैसे होगी, जब तक सुन्नत के मुताबिक नहीं होगी खुशू वाली नहीं होगी, नहीं समझ रहे हैं। पहली सीढ़ी, पहला जीना ईमान वालों की कामयाबी के लिए नमाज है, कौन सी वाली, खुशू वाली। अल्लाह हम सबको अता फरमाए, नमाज तो पढ़ते हैं मगर खुशू वाली नमाज अल्लाह अता फरमा दे, सुन्नत के मुताबिक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। दूसरी अलामत,
والذين هم عن اللغو معرضون, और ईमान वाले जो कामयाब होने वाले हैं उनकी पहचान ये है कि वो लोग फजूल बातों से, फजूल कामों से किनारे रहते। फजूल किसे कहते हैं? गुनाह तो छोड़िए, गुनाह नहीं करते हैं, गुनाह से बहुत हल्की चीज़, ऐसा काम जिसमें न दीन का फ़ायदा हो न दुनिया का फ़ायदा हो, ऐसा काम वो कभी, बोलो, नहीं करते, न दुनिया का फ़ायदा न दीन का फ़ायदा। उनको पता लव, पता चला बहस कर रहे हैं। क्या बहस कर रहे हैं? हमारी मस्जिद का हौज़ बड़ा है या दिल्ली की मस्जिद का हौज़ बड़ा है? अब हो रही बहस। अच्छा, अगर मालूम हो जाए हमारी मस्जिद का हौज़ बड़ा तो क्या फ़ायदा होगा? नजात हो जाएगी ना। अगर वो बड़ा हुआ तो अजाब होगा, फिर कब्र में पूछा जाएगा। ये बहुत ज़्यादा सवालात करना, बेजा सवालात करना, कील काल करना, जिनकी ज़रूरत नहीं वो भी पूछे जा रहे हैं, ये क्या है? फजूल काम है। ये बनी इसराइल की आदत थी। एक साहब ने पूछा, असहाब कहफ का जो कुत्ता था उसका कलर कैसा था, लाल था या काला? अच्छा, अगर लाल हुआ तो जन्नती हैं आप, अगर काला हुआ तो जहन्नम ही आप। अगर पता भी चल जाए तो उससे क्या फ़ायदा? तो अल्लाह ताला फरमा फजूल कामों से अलग रहते हैं, फजूल बातें नहीं करते वो लोग। और हम लोगों में से कौन ऐसा आदमी है जो बेकार बात ना कहो? कुछ ना कुछ तो बेकार बात होती है, नहीं होती? बोलो। कल ने कहाँ जा रहे हैं? हम कहा अमीनाबाद जा रहे हैं। क्या फ़ायदा हुआ आपको? क्या फ़ायदा हुआ आपको? आपने सवाल किया, उन्होंने बताया अमीनाबाद जा रहे, फिर क्या हुआ? कोई मसला नहीं है, मिला वजह का नहीं है। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, और कुछ कर भी रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह फरमाता दो बातें हुई, तीसरी बात والذین هم للزکات فاعلون, और वो ईमान वाले जो ज़कात देते रहते हैं। इसके दो माना हैं। एक माना क्या है? जो अपने आप को पाक करते रहते हैं। पाक करना, एक जिस्म को पाक करना, एक दिल को पाक करना। जिस्म को पाक करना भी ज़रूरी, कपड़े भी पाक होना ज़रूरी, और दिल भी पाक होना ज़रूरी। कपड़े तो हम लोगों ने पाक कर लिए, वुजू भी कर लिया, नहा भी लिए, इत्र भी लगा लिया, मगर दिल बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। इतना गंदा है पड़ोसी को पता नहीं इसके दिल में क्या है, अगर पता चल जाए तो पास बैठना भी गवारा ना करो। अच्छा, ये हमसे इतना जलता है, ये हमारे खिलाफ साजिशें कर रहा है, और यूँ मोहब्बत से मिलता है, ये हमें गिरा हुआ समझता है। तकब्बुर, गुरूर, लालच, हिर्स, ये क्या है? दिल की गंदगी है। इससे दिल का पाक होना बहुत ज़रूरी है। ये कैसे पाक होता है? अगर शुगर जो है ज़्यादा है या कम है तो बड़ी परेशानी है, और क्या करते हैं? चेकअप, चेक करते रहते। तकब्बुर है या नहीं है इसके लिए किसने चेकअप कराया? अरे बोलो, कराया किसी ने? ये तो ऐसा है कि अगर इतना सा हुआ तो जन्नत में जाने से रोक देगा। ये मेरे अंदर है या नहीं है, यही फिक्र नहीं। अच्छा, ये चेकअप होगा कहाँ? वैसे तो शुगर के लिए तो मशीन घर पे ले आए, जांच कर लेते हैं, मगर ये दिल के अंदर जो तकब्बुर है इसका चेकअप कहाँ होगा? चेहरा करक में नहीं होगा। ये क्या समझे? ये कहाँ होता है? ये अल्लाह वालों के यहाँ होता है। अल्लाह वाले देखते हैं इसके अंदर ये मर्ज है, फिर उसके बाद उसका इलाज बताते हैं। ये भी कामयाब ईमान वालों के लिए ज़रूरी है। तहज्जुद भी पढ़ रहे, इशराक भी पढ़ रहे, वाबीन भी पढ़ रहे, सारे दीन के काम करें, मगर दिल पाक नहीं है, वो ख़तरे की बात है। और जब समझेंगे ख़तरे की बात तो अल्लाह वालों के पास जाएंगे। हम कहें सब ठीक है, सब खैरियत है, तो कौन जाएगा?
अगर अल्लाह वालों के पास जाते भी तो काहे के लिए जाते हैं? पानी फुकवाने के लिए, मुकदमे की दुआ करवाने के लिए, है ना। जो असली दौलत उनके पास वो लेने नहीं आते। अल्लाह हम सब के हाल पर रहम फरमाए। दूसरे माना क्या ज़कात के? ज़कात के वही मशहूर माना, नमाज पढ़ना, ज़कात देना। ज़कात के माने भी क्या हैं? पाकी के हैं। जैसे दिल पाक होता है ऐसे माल पाक होता है, किससे? ज़कात से। अगर ज़कात नहीं निकाली गई तो माल गंदा है। अगर खून गंदा होगा तो क्या होगा? फोड़े, फुंसियाँ, तरह तरह की बीमारियाँ पैदा होंगी। अगर माल गंदा है तो बरकत नहीं होगी आपके वहाँ, चाहे जितना कमा लीजिए आप। तरह तरह की मुसीबतें, अजियतें, तकलीफ़ें, बीमारियाँ, टेंशन, और उसके बाद कब्र में अजाब, हश्र में अजाब। ज़कात के एक माना बढ़ने के भी हैं। जिस माल की ज़कात दे दी जाती है वो माल घटता नहीं है, वो माल बढ़ता है। अब अगर 40,000 रुपये की आपने ज़कात दी, 1,000, तो कितना बचेगा? कितना बचा? अरे 40,000 थे, 1,000 दे दिया किसी को, ज़कात निकाल दी, कितना बचा? 40,000। अरे तो इतनी देर में बताया तुमने, कहाँ थे? 39,000, है ना। तो 39,000 जब रह गए तो ये घटा या बढ़ा है? और सुबह बता ही नहीं रहे। अरे कम हुआ है, बढ़ गया? उन्होंने खांसना शुरू कर दिया ताकि हमसे ना पूछा जाए। कम हुआ, ज्यादा हुआ? अरे बोलो है, कल हमने सुना ही नहीं तो हम क्या बताएं कम हुआ या ज्यादा हुआ। कम हुआ, ज्यादा हुआ? तुम बताओ। अरे 39 कम हुआ। और हदीस में मा नकसत सदकतुम मिन मालिन, कभी सदक़े ने माल में कमी नहीं की। और हमें दिख रहा है 40 से 39 रह गए। कहा समझे नहीं हदीस का मतलब? कम नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है? बढ़ गया। इसमें बरकत अल्लाह ने डाल दी। ये रहेगा 39, मगर काम इससे हो जाएंगे 50ों के, सैकड़ों के, हजारों के काम हो जाएंगे इससे। और ये जो ज़्यादा हो गया, सूद लिया आपने, कितने जमा किए थे? 40, और मिल रहे हैं आपको 80, कम हुए बढ़े? ये तो बढ़े। और अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह ताला क्या कह रहा है? यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदकात। अल्लाह सूद को मिटाता है और सदकात को बढ़ाता है। और यहाँ पता चला सूद से बढ़ रहा है और सदक़े से घट रहा है। कहा वो जो बढ़ रहा है वो बढ़ा हुआ नहीं है, गलत समझ रहे हैं आप। वो सेहत नहीं है, वो वरम है। वरम आदमी के जिस्म के ऊपर वरम आ गया और खुश हो रहा है, बहुत मेरी अच्छी सेहत हो गई। डॉक्टर ने क्या कहा? अरे ये मौत का पैगाम है आपकी, ये मुसीबत है, ये कहाँ से मौल ले ली तुमने? और खुश हो रहा है। ज़कात देने से क्या हुआ? वर्जिश की आपने, मोटापा आपका कम हो गया। ये क्या आप बड़े दुबले हो गए? कहे नहीं, ये सेहत है ना। और सूद खाया, फूल गए बिल्कुल एकदम से। ये क्या है? ये बढ़ना नहीं है बल्कि ये बीमारी है। बीमारी को हमने क्या समझा? सेहत। सेहत को क्या समझा? बीमारी। ये आलम है। क्यों? आंखें खराब हैं। आंखें तो बिल्कुल ठीक हैं हमारी, दिल की आंखें खराब हैं। दिल की आंखें अलग होती हैं, हैं? इन्नमा तामल कुलूबुल लतीफ़ सुदूर ला तामल अबसार। आंखें नहीं अंधी होती, अल्लाह कहता वो दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में होते हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा दिले बीना भी कर खुदा से तलब। बीना माने? बीना माने, अरे नाबीना किसे कहते हैं? जिसको बहुत तेज दिखता है, हैं?
नाबीना, जिसको दिखता नहीं, जिसको दिखता नहीं, ना बीना ना देखने वाला, बीना देखने वाला। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं दिले बीना भी कर खुदा से तलब, देखने वाला जो दिल है अल्लाह से ये भी मांगो। क्यों? आँख का नूर दिल का नूर नहीं, आँखों की रोशनी अलग है, दिल की रोशनी अलग है। आँखों में रोशनी है ये काफ़ी नहीं, दिल के अंदर रोशनी होना चाहिए। अगर दिल में रोशनी हो तो पता चल जाएगा ज़कात देने से माल घटा नहीं है बल्कि बढ़ा है, अल्लाह ने बरकत डाल दी, अल्लाह ने इसकी हिफाजत कर ली। ये कम फ़ायदा है, कितने निकाले 1000 में से 25 है ना, 40 में से 1, 40 लाख में से 1 लाख, 40,000 में से 1,000, ये क्या है? तो कम हो गया, कम नहीं हुआ, पता है आपको? बरकत अलग डाली और ये पैसा आपका सेफ हो गया। अब किसी के मुंह में 32 दांत नहीं है जो इसको हजम कर सके, ये उल्टी करेगा, वो आदमी मार ही नहीं सकता पैसा। कितने मुसलमान ऐसे हैं जो रात दिन यही कहते हैं फला ने पैसा ले लिया, दे ही नहीं रहा, मर गया। ये मरा कैसे? मरा नहीं, आपने मारा है। आपने गरीबों का हक मारा तो किसी ने आपका पैसा मार लिया। जैसी करोगे वैसे ही भरोगे। ये नकद मामला हो रहा है मगर अंधे हैं, दिख नहीं रहा है। पानी कहाँ मर रहा है? गलती कहाँ हो रही है? हमारा पैसा मरा क्यों? खत नहीं है। वो एक साहब ने बताया नागपुर का वाकया कि जा रहे थे वो और ट्रेन के ऊपर सामान रखा हुआ था, उस सामान में जिसमें जेवरात थे वही थैला भूल गए और सारे अपने उठा के घर चले आए। जैसे ही पहुंचे घर के पास ख्याल आया रे वो थैला कहाँ है? अब तो उनकी अंदर की सांस और बाहर की सांस सब बेतरतीब होने लगी और दौड़ के पहुँचे स्टेशन और गाड़ी पे जैसे पहुँचे जहाँ देखा वो बिल्कुल वैसे ही रखा हुआ जहाँ पे रखा था, ज़र्रा बराबर कमी नहीं। क्यों? उनका अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाई पाई की ज़कात निकालता हूँ। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया माल की हिफाजत करो ज़कात से और बीमारी का इलाज करो सदक़े से। लोग क्या कहते हैं? सदक़े के बकरे से। लोगों ने मतलब क्या समझा? बीमारी का इलाज करो काहे से? सदक़े के बकरे से। कल एक बकरा दबा कर दो अल्लाह नाम का और उसे बंटवा दो, बीमार अच्छा हो जाएगा। ये ना कुरान में ना हदीस में न किसी दीनी किताब में। हाँ ये सदक़ा से बीमारी का इलाज करो। अरे पैसा बहुत है क्या, वो मैदानता चले जाएंगे, वो अपोलो चले जाएंगे और साथ PGI चले जाएंगे, फिर जाओ खर्च करते रहो। सदका कर लेते तो इसकी ज़रूरत ही ना पड़ती। सबसे पहले सदका, सदक़े में बड़ा पावर है, बड़ी ताकत है। सदका बलाओं को रोकता है, सदका सेहत का ज़ामिन है। सदक़े से इलाज करो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लेकिन नाम सदक़े से इलाज करेंगे डॉक्टरों को दे देना ज़्यादा अच्छा है हमारे नज़दीक है। और सदका करना समझ में आ ही नहीं रहा। सदका बला से आगे नहीं बढ़ती, बला सदक़े से आगे नहीं निकल सकती। सदका भी चल रहा है और मुसीबत भी आ रही है तो सदका उसको रोके हुए है, उसको साइड बोलो साइड नहीं देता है। किसको? मुसीबत को। आएगी नहीं, सदका करो। अब सदका तो मौलाना वो लोग करें जो बड़े आदमी हैं, है ना? क्यों भाई? सदका तो वही करें जो बड़े आदमी हैं। जी नहीं, अमीर भी करे और गरीब भी करे। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? क्या कहा? इत्तकुन्नारा वलौ बिशिक्की तमरा, जहन्नम की आग से अपने आप को बचाओ चाहे खजूर की एक टुकड़ा क्यों ना हो। खजूर का तो, खजूर का एक टुकड़ा ये मालदारों के पास होता है, गरीब के पास तो होता नहीं एक टुकड़ा। बोलो, अरे गरीब आदमी हो तो इतना भी तो हो सकता, तुम्हें खजूर ही सदका कर दो, पूरी खजूर ने उसका एक टुकड़ा सदका कर दो।
हैं, 10 रुपये नहीं 1 रुपया सदका कर दो, करो तो। और इसका मतलब मालदारी नहीं, गरीबों को भी करना चाहिए। और सहाबा ऐसे ही थे, सब के सब ऐसे थे। और हम लोग क्या हैं, हमारे ऊपर तो ज़कात है ही नहीं, हमारे ऊपर फितरा भी नहीं, हमारे ऊपर कुर्बानी भी नहीं, खुश हो रहे हैं। कह रहे मेरे पास कुछ नहीं है। अरे क्यों नहीं तुम्हारे पास? सहाबा का हाल क्या था, हुज़ूर ने कहा सदका करो। अब सहाबा ने देखा कि घर पे खाने को तो है आज भर का, मगर सदका करने के लिए पैसे नहीं हैं। हुज़ूर कह रहे हैं सदका करो, तो बाकायदा वो बाज़ार चले गए, बाग में चले गए, मजदूरी की उन्होंने, उनको जो कुछ मिला उसमें से थोड़ा क्या कर दिया, सदका कर दिया। ये थे सहाबा। और हम लोगों का हाल क्या है, बाहर सूरत वो ज़कात देते रहते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं हमारे ऊपर ज़कात फ़र्ज, और है फ़र्ज उनके ऊपर ज़कात, मसले नहीं जानते। ज़कात 4 चीज़ों पर फ़र्ज होती है। माल कितने हैं, 4 ही तरह का माल होते हैं, 4 ही तरह का माल होते हैं नहीं? भैंसें ये माल नहीं है, बोलो, भैंस वाले की जो भैंसें माल नहीं, ऊँट वाले के ऊँट, बकरी वाले बकरी। अच्छा प्लैटिनियम माल है नहीं है, क्या कह रहे हो? ये सोने से महंगा होता है, माल है नहीं है, मगर इस पर ज़कात क्या, ज़कात क्या करे फ़र्ज, देखा है, मगर इस पर ज़कात नहीं। और मतलब सोने से महंगा और फिर भी ज़कात नहीं, ये अल्लाह की मेहरबानी। मालिक तो अल्लाह ही हर चीज़ का है। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ध इन्ना लिल्लाह, हम सब अल्लाह की मिल्कियत में हैं, हमारा कुछ नहीं है। लेकिन उसने देखा मेरे बंदों को ज़रूरत है, हर माल पे ज़कात नहीं, सिर्फ 4 किस्म के माल पे ज़कात। और ज़कात भी अल्लाह ने ज़्यादा नहीं रखी, भाई मालिक है जितनी चाहे मांग ले। का 1 रुपया जो तुम्हारे पास है उसमें से सिर्फ 2.5 रुपये, 2.5 पैसे है ना, यानी 97.5 तुम रखो, 2.5 ज़कात। ये 2.5 ज़्यादा है, 97.5 ज़्यादा है, कहिए तुम रखो, तुम्हें ज़रूरत है। हर माल पे ज़कात नहीं, 4 किस्म के मालों पे ज़कात। कौन कौन, देखो अच्छी तरह सुनो, इसलिए सुनो ताकि अमल करें। अभी नहीं दे रहे, अल्लाह देने वाला बनाए। अगर इस नीयत से आदमी सुनता है मसले, अल्लाह अमल के दो। अगर हज के मसले सुनो इस नीयत से, तो अल्लाह हाजी बना देगा। ज़कात के मसले, ज़कात देने वाला खुदा बना देगा। ज़कात इबादत है, नमाज़ पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ज़कात देने वाले भी बन जाएं, खुशी होना चाहिए इस पर। तो एक पहली चीज़ क्या है, सोना। सोना जिस शक्ल में भी हो, नया हो पुराना हो, जेवर हो ये देवर ना हो, सोने पे ज़कात। दूसरे चांदी, चाहे जिस शक्ल में हो चांदी पे ज़कात। तीसरी चीज़ है कैश, कैश रुपया चाहे आपकी जेब में हो, चाहे आपके घर में हो, चाहे आपके बैंक में हो, चाहे किसी के ऊपर आपका पैसा बाकी हो, चाहे आपने कहीं जमा किया हो, BC डाली हो, यह है तो आप ही का पैसा सब, कैश रुपया, इसकी ज़कात। 3 चीज़ें। चौथी चीज़ सामान तिजारत, ताजिर किसे कहते हैं, कारोबार करने वाला। पहले हम तो कोई कारोबार ही नहीं करते, हम तो खाना पकाते हैं, हैं बावर्ची हैं, कारोबार थोड़ी करते हैं हम। या मुलाजिम हैं, तनख्वाह मिलती है, मैं कारोबार थोड़ी करता हूँ। कह लें आप कन्फ्यूज़न में मुब्तला है, आपने मतलब नहीं समझा इसका। सामान्य तिजारत का मतलब नहीं समझे, सामान्य तिजारत का मतलब ये है हर वो चीज़ जो आपने बेचने के इरादे से ख़रीदी,
नहीं समझ में आई बात? आपने प्लाट खरीदा है कोई, जब मुनासिब पैसे मिलेंगे तो बेच डालेंगे, ये क्या है? इस पर ज़कात है, ये सामान्य तिजारत है। खरीदा था 1 लाख का, 1 लाख की ज़कात नहीं है इस वक्त, यह है ये 15 लाख का, तो 15 लाख की ज़कात निकालना है। सोना पहले जब ख़रीदा था तो 6,000 का था, अब 46,000 का है, कितने की ज़कात दोगे? 46,000। जैसे वो बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। इसको कहते हैं माले नामी, माले नामी पे ज़कात है। माले नामी किसे कहते? बढ़ने वाला माल, वो बढ़ने की सलाहियत है। नहीं समझ में आई बात? अगर आपने कोई प्लाट ख़रीदा बेचने के लिए, बाद में नियत आपकी बदल गई, अब ये बनाएंगे, यहाँ रहेंगे हम, तो इस पर ज़कात होगी या नहीं होगी? क्यों नहीं होगी भाई? क्या कह रहे हैं? रहने के लिए कहाँ लिया था? लिया तो बेचने के लिए था, तो ज़कात थी। बाद में नियत बदल गई, मसला बदल गया, अब रहने के लिए मकान बनाने के लिए हो गया, अब ज़कात नहीं होगी। आसानी है या मुश्किल है? बोलो, आसानी है। आपने गाड़ी ख़रीदी थी पुरानी और आपने पेंट वेंट कराया, उसके बाद नखात में उसको बेच डाला, इसीलिए ख़रीदी थी, तो इस गाड़ी पे ज़कात होगी नहीं होगी? बोलो, होगी। आपने एक बहुत बड़ा प्लाट ख़रीदा और उसके ऊपर पूरी मार्केट बना दी आपने, और उन दुकानों से आपको बड़ी आमदनी है, बहुत पैसा मिल रहा है, इस मार्केट पर ज़कात होगी या नहीं होगी? तो दे देना फिर, अगर होगी तो। उस मार्केट पर ज़कात नहीं होगी, इसलिए मार्केट आपने बेचने के लिए नहीं बनाई है, तो किराए पर उठाने के लिए बनाई है। किराया जो उसका आ रहा है, अगर ये महफूज है तो उस पर ज़कात होगी, वो भी खर्च हो गया तो उस पर भी ज़कात नहीं होगी। नहीं समझ में आई बात? अरे समझ गए नहीं समझ गए? अभी नहीं आई? अच्छा, करे समझ में आ गया, अल्लाह करे आ गया हो, समझा देना जिसको ना आया हो। फिर जेवर, उनकी ज़कात। अब जेवर की ज़कात कौन अदा करे, मियाँ अदा करें या बीवी? बोलो भाई, कौन अदा करे? कोई कह रहा मियाँ, कोई कह रहा बीवी। अब शौहर बीवी से कहेगा भाई तुम ही मालिक हो, हम नहीं मालिक है, और बीवी कहेगा मियाँ मालिक है, वो जाने, या यही नहीं पता कौन मालिक है। ज़कात होती है मालिक पर, ज़कात है मालिक पर। मालिक कौन ये पहले तय करना चाहिए। शौहर ने जो बीवी को जेवर दिए हैं, ससुराल से जो जेवर मिले हैं, उनकी मालिक बीवी नहीं है, का मालिक शौहर है। मायके से जो जेवर मिले हैं, उनकी मालिक बीवी है। कैसे पता? इसलिए कि अगर वो बीवी ससुराल का जेवर ले जाके अपनी बहन को दे दे, ये तुम रखो, हार दे दिया उसने जाके, शौहर को पता चला तो शौहर बहुत खुश होगा ना? बोलो, अरे बहुत नारा, वो तुमने क्यों दिया, क्यों रखा है वहाँ? जब आपने मालिक बना दिया तो मालिक अपनी ममलूका चीज़ में जो जी चाहे करे, आपको एतराज़ करने का हक़ नहीं है। आप एतराज़ कर रहे हैं, इसका मतलब वो पहनने के लिए दिया है आपने बीवी को, आपने उसे मालिक नहीं बनाया। दूसरी बात, अगर तलाक हो जाए खुदा ना खास्ता बीवी की, तो जो जेवर एवर दिया है, दिया गया उसको, जब तलाक हो जाती तो वापस कुछ नहीं लिया जाता ना, हैं? तलाक हो गई, अब बीवी को जो कुछ दिया थे, जेवर दिए थे, वो सब उसको दे दिए जाते हदिये में ना, अरे सब वापस ले रहे हो तुम,
क्यों वापस ले रहे हो? इसका मतलब तुमने उसे मालिक नहीं पहनने के लिए दी थी। अब इनकी ज़कात कौन देगा? हाँ, अगर शौहर ये कहे महर तुम्हारा था 1,00,000 और ये जेवर जो हैं मैं महर में तुम्हें दे रहा हूँ, 1,00,000 के जेवर हैं। अब बीवी हो गई मालिक उसकी, तो जो मालिक है उसके ज़िम्मे ज़कात है। अब शौहर बेचारा जो है वो नेक भी है, अल्लाह ने से नवाजा भी है, वो इलाज कराता, कपड़े बनवाता है, उसने कहा ज़कात गरीब कहाँ से देगी, जब ज़कात भी दे दें तो अच्छी बात है। लेकिन शौहर बीवी को बताए मैंने ज़कात दी, और अगर खुदा ना खास्ता शौहर बखील है, कंजूस है, वो कहे हम क्यों दें तुम दो, या शौहर बहुत गरीब है देने की उसके पोजीशन ही नहीं है, तो कौन देगा ज़कात? कहें बीवी देगी। बीवी के पास पैसा ही नहीं है, का जेवर बेचो ज़कात दो। अगर ज़कात न दी तो गंजा सांप बन जाएगा ये, और ये जबड़े पकड़ लेगा और कहेगा मैं तुम्हारा खजाना, मैं तुम्हारा माल हूँ, और क़यामत के दिन तपा करके जिस्म दाग दिया जाएगा। नहीं समझ में आ रही बात? मामूली बात नहीं है। बाद लोग कहते हैं इस्तेमाली जेवरों पे ज़कात नहीं, ऐसा नहीं है, पहने जा रहे हों चाहे यूं ही रखे हों, लड़की की शादी के लिए रखे हैं, इन पे ज़कात है? नहीं है ज़कात। पैसा लड़की की शादी के लिए रखा है, मकान बनाने के लिए रखा है, गाड़ी खरीदने के लिए रखा है, हज करने के लिए रखा है, हर पैसे पे ज़कात। फिर तो सारा माल इसी में ज़कती में कैसे चला जाएगा? ज़कात है कितनी? कितनी है? 2.5% है, इसमें पूरा माल ज़कात पर चला जाएगा? अरे ज़कात दोगे तो क्या होगा, ये माल ज़ाया नहीं होगा, महफूज रहेगा, अल्लाह इसमें बरकत डाल देगा, इसकी बरकत से जल्दी जल्दी रिश्ते हो जाएंगे, और बचाने के चक्कर में रहोगे तो ये मुसीबत तुम्हारे लिए बनेगा, बच्चों के लिए भी बन जाएगा। इन मसाइल को सीखने की बोलो ज़रूरत है। फिर ज़कात दे किसे? कहले वो महल्ले में एक आदमी टहल रहा है, हैं, और रिकॉर्डिंग लगी हुई, ये आदमी जो रिक्शे पे बैठा है ये बड़ा मजबूर और बेबस है, इसका कोई कमाने वाला नहीं है, इसकी जवान जवान बेटियां हैं, आप खुद इसका हाल बाहर आकर के देखो और ज़कात से सदक़ात से फितरे से मदद करो उसकी। इनको अगर ज़कात देंगे ज़कात अदा नहीं होगी। ज़्यादातर गैर मुस्लिम लोग ज़कात मांग रहे हैं भेस बदल करके, यानी बुरक़े पहन करके, दाढ़ी रखकर, टोपी लगाकर, टोपी लगाए हुए है, रुमाल डाले हुए हैं, शक्ल मुसलमानों की बनाए हुए हैं, ले रहे हैं और दिए जा रहे हैं। गैर मुस्लिम को तो ज़कात देना जायज़ ही नहीं है। नफली सदका दो, मदद कर दो उनकी, मगर ज़कात मुसलमानों से लिया मुसलमान को, और गैर मुस्लिम ज़कात ही नहीं है। बाद लोग कहते हैं कि वो दादी के ज़माने से कुछ औरतें आती हैं हमारे घर पे, वही ले जाती हैं ज़कात। पहले वो आती थी, अब उनकी लड़कियाँ, फिर उनकी लड़कियाँ, सब पेशावर लोग, फेंको नहीं ज़कात, मुस्तहिक को दो। जो मुस्तहिक है, बाद लोग कहते हैं कि वो मदरसे वाले आते हैं, हम तो उनको दे देते हैं, तो मदरसे वाले भी सब मुस्तहिक नहीं है, भी समझ लो। पता चला मस्जिद में 10 बच्चे बैठे हुए हैं, उनको पढ़ा दिया और घर चले गए वो, और ज़कात वसूल लें। जहाँ बच्चे रहते हैं, खाने का, पीने का, दवाओं का, उनके खर्च का इंतज़ाम होता है, वहाँ है ज़कात। अब बाहर से बेचारे आ रहे हैं मदरसे वाले, वाकई मदरसे हैं, ज़रूरत है उनको, लेकिन हमें पता नहीं उनके बारे में, इसलिए एहतियात का तकाजा ये है कि अगर उनके बारे में हमें मालूमात नहीं है तो उनको नफली सदका दें, ज़कात न दें। ज़कात भी दे रहे हैं, अदा भी नहीं हो रही,
उन मदरसों में ज़कात दें जिनको आप जानते हैं, जहाँ आप जाके तहकीक कर सकते हैं। आपके शहर में ऐसे बहुत से मदरसे हैं, नदवतुल उलमा है, दारुल मुबल्लिगीन है, इसी तरीके से इरफानिया है, मदरुल इस्लाम है, जाके ख़ुद देख सकते हैं। हमारे वहाँ तो 200 बच्चे तकरीबन पढ़ते हैं, उनके खाने का, पीने का, किताबों का सब इंतज़ाम मदरसे की तरफ से होता है। तो इसलिए जो हजरात उसमें तआवुन करना चाहें दुआ के बाद, वो करें और रसीद ले लें, अभी नहीं तो बाद में कर दें। इसके अलावा जो दूसरे मदारिस हैं वहाँ, फिर देने में फरमाया कि डबल सवाब दो जगह है, एक मदरसे में देने में और दूसरे रिश्तेदारों को देने में। इसलिए रिश्तेदारों के बारे में अच्छी तरह हर आदमी को मालूम होता है ये ज़कात का मुस्तहिक है या नहीं, कैसे घर का खर्च चल रहा है, बच्चों की फीस, पढ़ाई नहीं हो पा रही, राशन का इंतज़ाम नहीं है, रिश्तेदारों के बारे में आदमी अच्छी तरह जानता है, डबल सवाब। अगर आपने 50,000 ज़कात में दिए हैं तो सवाब कितना मिलेगा, 1,00,000 रुपया आपने, ये कहाँ मिलेगा सवाब, रिश्तेदारों। नहीं समझ में आ रही बात। अब रिश्तेदारों में भी दो तरह के रिश्तेदारों को नहीं दे सकते हैं, एक जिनसे निकाह का रिश्ता है और एक जिनसे विलादत का रिश्ता है, यानी शौहर बीवी को नहीं दे सकता, बीवी और पैदाइश का मतलब जिनसे खुद पैदा हुए उनको नहीं दे सकते, यानी माँ बाप और दादा दादी नाना नानी, जो खुद उससे पैदा हुए हैं उनको भी नहीं दे सकता, यानी जैसे जैसे ज़ुबैर देखना ये जग रहे, हर मसला ऐसे सुनते हैं, जो तुमसे पैदा हुए हैं उनको भी नहीं दे सकते, वो कौन है, भाई बहन है ना, कह रहे हाँ बताओ, इन्ना लिल्लाहि वा इन्ना इलैहि, अरे बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी, इनको नहीं दे सकते। बाकी जितने रिश्तेदार हैं अगर वो गरीब हैं तो यही ज़्यादा सवाब के मुस्तहिक हैं। नहीं समझ में आए, और बाकी रिश्तेदार बहुत हैं, सगा भाई, सगी बहनें, सगी फूफियाँ, सगी खालाएँ, सगी चचियाँ, सगी ममानियाँ, मामूजात, खालाजात, फूफीजात, ये भाई लोग, बहने लोग, इनको ज़कात का पैसा दे सकते हो, बताना भी ज़रूरी नहीं है ज़कात का पैसा है, गिफ्ट भी दे सकते, जेवर भी दे सकते, कपड़े भी दे सकते, रमज़ान ही में नहीं गैर रमज़ान में भी दे सकते हैं, है या नहीं, डबल सवाब। मदरसों में डबल सवाब क्यों, एक ज़कात मुस्तहिक तक पहुंची और दूसरे ये दीन की इशाअत और फैलने का ज़रिया है। नहीं समझ में आई बात, इसलिए कि दीन जो फैल रहा है और जो कायम और महफूज है वो इन्हीं मदारिस की वजह से है। पूरे रमज़ान के महीने में पूरी दुनिया में तरावी होती है, शियों के यहाँ नहीं होती, उनके अलावा जितने कलमा पढ़ने वाले सबके वहाँ तरावी होती नहीं होती, और तरावी में क्या पढ़ा जाता है, तौरात है, कुरान शरीफ पढ़े जाते, हाफिज़। ये हाफिज़ कौन से खेत में पैदा होते हैं, हैं बोलो भाई, फैक्ट्री इनकी कहाँ है, राजस्थान में ना, मदरसों में, हाफिज़, क़ारी, आलिम, मुफ्ती, काजी, सब यहीं पैदा होते हैं। ये इतने अहम हैं कि आज जो लोग इख्तदार में बैठे हुए हैं, दीन की दुश्मन है वो, उनकी नज़रें दो चीज़ों पर हैं, दो चीज़ों पे उनकी निगाहें हैं, एक मदारिस, दूसरे मसाजिद। अरे है या नहीं, और ये मदारिस जिस पैसे से चलते हैं वो क्या है, यही ज़कात और सदक़ात खैरात है, इसलिए उसमें देने का डबल सवाब है। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए और अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करने की तौफीक अता फरमाए।
तो तर्जमा खाली सुनो, वल्लज़ीन हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, और वो मोमिन कामयाब हैं जो अपनी शर्मगाहों की हिफाज़त करते हैं। इल्ला अला अज़्वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम ग़ैरु मलूमीन, मगर अपनी बीवियों से, अपनी बांदियों से वो हिफाजत नहीं करते, इसमें उनके ऊपर कोई मलामत कोई गुनाह भी नहीं है। फ़मन इब्तगा वरा ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून, और जो इसके अलावा अपनी नफ्सानी ख्वाहिश को पूरा करने का कोई तरीका भी अपनाए, ऐसे लोग हद को फलांगने वाले हैं, गुनहगार हैं, कोई भी तरीका हो। अल्लाह फरमाता और कौन से मोमिन कामयाब हैं, वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, जो अपनी अमानतों की और अपने वादों का ख्याल रखते हैं, अमानत में खयानत नहीं, अमानत जो जिम्मेदारी आपने उठाई है उसको पूरा करना है, मुतवल्ली आपको बनाया गया, खजानची आपको बनाया गया, जिम्मेदारी पूरी अदा करो। अमानत को अदा करते हैं और वादों का ख्याल करते हैं। वादे का तो मसला बड़ा अजीब है, ताज्जुद गुजार इशराक अवाबीन और सर से लेकर पैर तक दीनदार फरिश्ता बिल्कुल, मगर वादा कभी हमने उसे पूरा करते नहीं देखा, ये कैसा दीन है भाई। मुनाफिक की चार अलामतें हैं, उनमें से एक अलामत क्या है, वादा खिलाफी करना है। पहली अलामत झूठ बोलना, आज वो सब चल रहा है। अल्लाह हम सब के हाल पर रहम फरमाए। फरमाया वल्लज़ीन हुम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून, और वो मोमिन कामयाब होंगे जो अपनी नमाज की हिफाजत करते हैं, यानी नमाज की पाबंदी, जुमा जुमा नहीं हर नमाज पढ़ते, वक्त पर पढ़ते हैं, जमात के साथ पढ़ते हैं, फ़राइद मुस्तहबात और सुन्नतों की रियायत के साथ पढ़ते हैं। अल्लाह फरमाता जिन मोमिनों के अंदर ये सिफात हैं, सुनो उनका ठिकाना कहाँ है, उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग वारिस हैं। काहे के जायदाद प्रॉपर्टी के, फरमा नहीं, अल्लज़ीन यरिसून अल-फिरदौस, जो वारिस हैं फिरदौस के, बागात के, जन्नत के, जन्नत की सबसे आला किस्म। कितने दिन रहेंगे जन्नत में, सरकारी बंगले में, जितने दिन दुनिया में बंगले में लोग रखे जाते हैं। खालिदीन हुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह इन गुजारिशात को कबूल फरमाए, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ज़कात के मसले, ये सारे मसले थोड़े वक्त में नहीं बयान किए जा सकते, सब बहुत सारे ज़रूरी है, इनको सीखना मालूम करना दूसरों को बताना, इसलिए जो मसला जहन में रहे उसको पूछना चाहिए। जैसे एक मसला ज़कात भी है और कर्ज़ा भी है, तो कर्ज़ा पहले माइनस करो, बाद में अगर इतना बचे कितना, जितने में 52.5 तोला चांदी आ सकती है, मौजूदा रेट उसका कितना, 46,000, 46,000 रुपये, चाहे रुपये हो, चाहे सोने की शक्ल में हो, चाहे चांदी की शक्ल में हो, चाहे सामान्य तिजारत में से हो, जिसके पास इतना है उस पर ज़कात फ़र्ज़, उस पर ज़कात फ़र्ज़। अगर कर्ज़ा भी इतना है तो ज़कात नहीं होगी। और बहुत से लोग कारोबारी कर्ज़े लेते हैं, बड़े बड़े खूब लगा रहे हैं क्या फैक्ट्रीज़, और कर्ज़ा है उनके ऊपर, तो अगर इस कर्ज़े को भी ज़कात में से निकाल दिया जाए तो इन बेचारों पे तो कभी ज़कात फ़र्ज ही नहीं होगी, हालांकि वो करोड़पति अरबपति। तो कौन से कर्ज़े ज़कात में से माइनस होंगे, कौन से नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। अल्लाह इन गुज़ारिशात को कबूल फरमाए। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मद। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह हम सब की हाज़िरी को अपने रहमत से कबूल फरमा, ईमान कामिल अता फरमा, आमाल सालिहा की तौफ़ीक अता फरमा। ऐ अल्लाह इन कीमती लम्हात की कदर करने की तौफ़ीक अता फरमा। सारे आलम में हिदायत की हवाओं को चला दे, अपने दीन की खिदमत के लिए हम सब को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह रमज़ान की नाकदरी से और हर नेमत की नाकदीर नाशुक्री से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा, शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमा। अल्लाह हम में से जो बीमार हैं शिफा अता फरमा,
ख़ास तौर से अल्लाह मौलाना अब्दुल अलीम साहब को सेहत अता फरमा, कुव्वत अता फरमा, और उम्मत के तमाम बीमारों को सेहत और कुव्वत अता फरमा। ऐ अल्लाह जो लोग परेशान हैं, परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमा, मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा, हरमैन शरीफ़ैन की हिफाजत फरमा, दुनिया की तमाम मस्जिदों की हिफाजत फरमा, मदरसों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इस्लामी मरकज़ों की हिफाजत फरमा, जिन्होंने दुआओं के लिए कहा है, लिखा है, उनका हम पर हक है। अल्लाह उन सब के नेक मकासद में कामयाबी नसीब फरमा। जो जालिम जुल्म ढा रहे हैं, अल्लाह उन जालिमों को इबरतनाक सज़ा अता फरमा। ऐ अल्लाह जो दीन के दुश्मन साजिशें कर रहे हैं दीन को नुकसान पहुँचाने की, ऐ अल्लाह उनकी साजिशों को नाकाम फरमा दे। ऐ अल्लाह अपना फ़ज़ल फरमा, करम फरमा, नुसरत और हिमायत का मामला फरमा। जो दुनिया से जा चुके उन सबको माफ़ फरमा। हम सब को इस्लाम पर ज़िंदा रख, ईमान पर मौत दे, ईमान वालों के साथ हशर फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबी करीम बिरहमतिक।